नमस्कार, आप रफ्तार मीडिया के साथ, मैं हूं आकाश सरोज और दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत अब तक की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। खबर पंजाब से है, जहां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रकाश सिंह बादल के निधन से राजनीतिक घराने में शोक का माहौल बना हुआ है। निधन के बाद इनके पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ स्थित अकाली दल के कार्यालय में रखा गया, जहां देश भर के तमाम नेतागण शरीक हुए और उन्होंने अंतिम दर्शन किया। इसके बाद पंजाब के लिए जिलों से होते हुए सरदार प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव बादल ले जाएगा, जहां अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे किया जाएगा। इधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की और नम आँखों से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रकाश बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल से दुख भी साझा किया। आपको बता दें, प्रकाश सिंह बादल ने 75 साल का सफल राजनीतिक जीवन जिया है। इस दौरान वे 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने लगातार 11 चुनाव जीते। पिछले साल वह अपनी सीट लंबी से चुनाव हार गए थे, हालांकि उसके बाद वह सियासी तौर पर ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखे। केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों का विरोध हुआ तो शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण तक लौटा दिया था। कैमरा ऊपर ना, कभी ना कैमरा ऊपर ना। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।